छोड़ दे कोबरा, मुझे छोड़ दे। अगर तू मुझे छोड़ेगा नहीं तो बहुत पछताएगा, क्योंकि जब मेरे आदमी आएंगे तब तेरी पूरी प्रजाति और पूरे कोबरा को नष्ट कर देंगे वो लोग। आग में हाथ डालने से तुझे मालूम तो था ना कि हमारा हाथ जलेगा, तो तूने मेरे कोबरा भाई को क्यों मारा? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, हमारे अड्डे पे लेके चलो रे इसको। जल्दी जल्दी इस कलर के पीछे दौड़ो, वरना वो कोबरा हमें भी पकड़ लेगा। अभी भी ये गुफा होती, हम इसमें छुप सकती, इसमें हमें कोई नहीं ढूंढ पाती। अरे हाँ, ये गुफा हमारे छिपने के लिए बहुत अच्छी होगी और हमें कोबरा ढूंढ भी नहीं सकता। जल्दी चलो अंदर आराम से। पर यार इसमें मुझे डर लग रहा है, कोई है तो नहीं ना इसका इलर इसमें? अभी भी डरने की कोई बात नहीं, इसमें कोई नहीं आती, बस मैं ही जानती इस गुफा को। अरे ये गुफा तो बहुत खौफनाक है यार, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं मैं नहीं आ रहा, तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा, बहुत खतरनाक है ये गुफा। मुझे मत फेंको, आह मेरा मुंह तोड़ दे कमीनो। करो ना, आज तक इस पूरी दुनिया में इतनी बुरी मौत किसी को नहीं मिली होगी जो हम लोग देने वाले हैं। कितनी भी मौत की भीख मांग ले तू। नहीं कोबरा, मैं अपनी गलती मानता हूँ। और सुनो, हम कोलैब कर लेते, मेरी बात मानो, हम कोलैब कर लेते, फ्री फायर को आधा आधा कर लेंगे हम लोग। कुत्ते, मैं अपने भाई के हत्यारे से हाथ मिलाऊंगा और तू फ्री फायर आधा आधा क्या करेगा? अब तो फ्री फायर हवा में उड़ती उड़ती खबर आई है हमारे पास कि फ्री फायर बैन होने वाला है। मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे भाई को मारा है तूने। नहीं, मुझे मत मारो, कोबरा मत मारो मुझे। अगर तुमने मुझे मार दिया ना तो पीक में भूचाल आ जाएगा। अच्छा किया जो हम लोग यहाँ आ गए, वरना CR7 के चक्कर में कोबरा हमको भी मार देते। वो तो इस कल का भला हुआ जो हमें यहाँ ले आया इस अच्छी सी गुफा में। और हाँ, इस गुफा को कोई नहीं जानता, इस कल ने बताया है। अभी भी हमें ये गुफा छोड़नी पड़ती, नहीं तो गैस से मर जाती, हम दूसरा ठिकाना ढूंढती। निकलना होगा यहाँ से, चलना चाहिए हमको। इसको हमारे अड्डे में लेके चलो, वहीं इसकी चमड़ी उधेड़ के ढोलक बना के बजाएंगे और छमिया नचाएंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो कोबरा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा जानी दुश्मन हूँ यार, अपने जानी दुश्मन को ऐसा कौन करता है भाई? इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी तेरे को, अभी तो खेल शुरू हुआ है। उन सबका ध्यान क्रोनो की तरफ है, तब तक मैं निकल जाता हूँ। अच्छा हुआ वो रस्सी खुल गई मेरे से। अरे चलो यहाँ से चिपके से। अरे वो साइकिल, अब तो मैं भाग जाऊंगा और इनके हाथ नहीं आने वाला बड़ुओं के। और बड़ुओ सुन लो, तुम्हारे पास वापस आऊंगा बदला लेने, तुमने मुझे बहुत मारा है, बहुत तड़पाया, तुमको वापस तड़पा के मारूंगा कोबरा। अरे देखो भाई लोगों, जे आ चुका है हमारा। अरे जे तो छूट के आ गया। अरे भाई हमारे CR7 को भी लेके आया। साले भड़वो क्या बोला कि छूट के आ गया? भाई मैं खुद की मेहनत से छूट के आया हूँ। अरे तू CR7 को नहीं लाया, कोबरा ने CR7 को पकड़ के लेके चले गए, तूने तो देखा भी होगा। हाँ इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब सुनो, हमें एक प्लेन बनाना चाहिए और जल्दी ही क्रोनो को छुड़ाना चाहिए। हम लोग नहीं जाने वाले वहाँ। मुझे पता है वहाँ कौन जाएगा। एडम ये क्या ढोलक बजा रहा है यार तू? इस ढोलक को बंद कर और सुन, क्रोनो को हमें छुड़ाना होगा और तू ही एक ऐसा आदमी जो क्रोनो को छुड़ा सकता है, बाकी सब लोगों ने मना कर दिया है। अबे तू मुझे बोल रहा है, तू भी तो बचाने के लिए जा सकता है ना वहाँ। बड़ी मुश्किल से तो छूट गया हूँ, बहुत मारते वो लोग साले भड़वे, पता नहीं इंसान नहीं कुत्तों की तरह मारते वो लोग। मैं नहीं जाने वाला भाई, तुम रहने दो, क्रोनो को बंद ही रहने दो। तू नहीं जाने वाला था तो मुझे क्यों बोल रहा था? तू पागल हो गया क्या जे? पर हाँ सुन, एक बात सुन मेरी, एक प्लान है मेरे पास। काम का प्लान है तो जल्दी बता भाई। तो सुन, एक आदमी है जो पैसों के लिए काम करता है, वो पैसों के लिए अपने सगे बाप को भी मार सकता है। बोल काम करवाना है तो तू जाके मिल ले। हाँ ऐसा ही आदमी काम कर सकता है जो अपने बाप को मार सकता है, वो तो कोबरा क्या चीज है उसके सामने। जे मेरी बात सुन पूरी, उसके बारे में मैं तेरे को एक कहानी बताता हूँ। एक बार का टाइम था और वो एक बैंक को लूटने वहाँ से निकल गया, उसका नाम था हिपो। और बैंक के बाद उसने पता है
पूरे 100 आदमियों को मारा वहाँ, और पैसों के लिए अपने बाप को भी मार दिया था क्योंकि उसी बैंक में उसका बाप था, और वो सारे पैसे लूट लिए एक बड़े से बैंक में। और वो वहाँ से निकलने की कोशिश की पर पुलिस वाले भी आ गए, उन सबको मार के अब वो पहाड़ों में रमने लगा है। तुझे पहाड़ों में जाके उसका मालूम करना होगा और वही उससे बात करनी होगी। चल करो ना, आज तो दो हाथ हो जाए। तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू अपने आप को बहुत ज्यादा दादा समझता है ना तू फ्री फायर का। आज तुझे मालूम पड़ेगा कोबरा की पावर। बस अब मेरा आत्महत्यार आ गया ना, तुम कुछ छोड़ूंगा नहीं, तुम तीनों को मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा कोबरा। अरे क्या कर रहे हो, सब एक साथ अटैक करो, ये ऐसे तो हमसे मरने वाला नहीं है। यार बहुत पावरफुल है तू, छोड़ेंगे नहीं। ये ले, तुझे आज कोई बचा नहीं पाएगा। ये ले, साला ज्यादा बोल रहे थे मेरे सामने। नहीं, अरे यार जल्दी करो, ये मैं मार देगा। ये ले, मार देगा। नहीं, मेरे भाई का बदला लेना। ये ले, अब मेरे भाई का हत्यारा है तू, तुझे छोड़ेंगे नहीं, मारो साले को। सालो कुत्तों, दोनों एक साथ अटैक करते हो। नहीं नहीं, एक साथ अटैक मत करो, दम है तो एक एक आओ। अबे एक एक आओ सालो बड़वो। जे इतने का काम हो गया, तो ढूंढे ढूंढे मुझे पहाड़ों के अंदर आ गया, कोई नहीं ढूंढ पाता मुझे। काम ही ऐसा था जो कोई हर एक मामूली इंसान नहीं कर सकता था, और पूरे फ्री फायर में तेरा जैसा इंसान कोई भी नहीं है। और सुन, तू जितना पैसा मांगेगा उतना पैसा तेरे मुंह पे फेंक दिया जाएगा, लेकिन काम होना चाहिए बस। क्या काम है? सुन, हमारे क्रोनो को कोबरा उठा के ले गए, वो भी क्लॉक टावर में, उसे उसने किडनैप कर लिया है। तुझे जाके बस क्रोनो को छुड़ाना और कोबरा को मार डालना है। जल्दी बता, तेरा खजाना कहाँ है, वरना तू मारा जाएगा CR7। मेरे पास मेरे खुद के हाथों में कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा खुद का डॉन बैठा ऊपर, मेरा जैसा बॉस कहेगा वैसा ही काम चलेगा। अगर तुम लोग मुझे मार दोगे ना, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ने वाले। ये कौन सी मुसीबत हो गई, ये कौन सा डॉन? क्या हुआ, बात हुई उससे? मिला वो, काम बना हमारा, बन जाएगा काम। काम की टेंशन मत ली, एक बार जो मैं ठान लेता हूँ वो करके छोड़ता हूँ। उसे उसके काम को अंजाम देने के लिए भेज दिया है, और वो गया है क्रोनो को छुड़ाने। मैंने सुना है कि जय हिपो के पास गया है, जो वो शूटर है, वो छुड़ाने के लिए गया है। नाम तो बहुत सुना है हिपो का, पर सुनो, वो बैंक और अपने बाप को मार सकता है बस, बाकी कोबरा को नहीं मार सकता, कोबरा तो कोबरा ही है। अबे तुम फालतू क्यों टेंशन ले रहे हो, देख के जाओ ना, अभी मालूम पड़ जाएगा। हमने भी तो हमारा एक भाई खोया है, हमें भी तो कोबरा से बदला लेना है। पर कुछ देर शांति, अभी भी हम मौका ढूंढती और तुम्हारे भाई का बदला लेती, कोबरा को उड़ा डालती। मेरे भाई का एक ही मकसद था, फ्री फायर में हमारा पूरे में नाम चले। जल्दी बता, कौन है तेरा डॉन? उसको तो मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी आज तक उससे बात नहीं की है फेस टू फेस, बस उसका एक जासूस आता और हर खबर मुझे दे जाता है। यह कौन सा डॉन, और जिसकी हमारे क्लॉक टावर पे नजर रहेगी उसे नहीं छोड़ेंगे हम।
यहाँ तो बहुत लोग हैं, ऐसा करता हूँ अगर एक को मारूंगा तो दूसरे मुझे अटैक करेंगे, ऐसा करता हूँ ये जहरीली गैस रखता हूँ और क्रोनो को उठा कर ले चलता हूँ। ऐसा तो वो हो नहीं सकता कि उसके लिए काम करे और तू उसे देखा भी ना हो ना उससे बात की हो। जल्दी बता इनको, पता नहीं क्या क्या रंडी रहा चल रहा है, मैं अपना काम करके खत्म करता हूँ सालों को। अरे अरे ये क्या है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा, मुझे भी नहीं दे रहा, ये कौन सी गैस है? अरे अरे ये आदमी क्या है? अरे अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो CR7 कहाँ चला गया? अरे क्या होगा हमारा? अबे हम पे हमला हुआ है, हम पे हमला किया है किसी ने, हमें CR7 कहाँ चला गया? वो चला गया तो हमारा क्या होगा? ये आदमी कौन है पर दिखाई नहीं दे रहा। ये जहरीली गैस है, हमको निकलना पड़ेगा यहाँ से, अगर नहीं निकले तो मारे जाएंगे। मैं मरने नहीं दे सका रेड कोबरा तेरे को। क्रोनो जल्दी मेरे पैर पीछे पीछे आ, जल्दी आ, सुन फालतू दिमाग मत लगाइए, क्योंकि कोबरा की थोड़ी देर के लिए बेहोश हो रखे हैं वो लोग, थोड़ी देर के लिए पागल रहेंगे वो लोग, तब तक हम भाग कर चले जाएंगे। मुझे पता नहीं चल रहा कि कहाँ क्या है, चल चल हिप हॉप चल, मुझे बचा ले हिप हॉप। नहीं मैं नहीं मरने दे सकता, जल्दी चलो यहाँ से, इस रूम से बाहर निकलो, जहरीली गैस तुम्हें मार देगी ये, जल्दी चलो जल्दी चलो। नहीं मैं तुम्हें खो नहीं सकता, तुम जल्दी तैयार हो जाओगे। कोबरा तू टेंशन मत ले, कोबरा तू टेंशन मत ले, तू तू ऐसा कर, तू यही रह, मैं उस रेड कोबरा को लाता हूँ। मैं मर नहीं सकता, मरने नहीं दूंगा, मेरा परिवार उजड़ जाएगा। इसे कहते हैं शेर के मुंह में शिकार करना। वाह तेरा जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, कि इतने आदमियों में से तूने बिना फायर किए मुझे छुड़ा के लेके आ गया और उनकी ऐसी की तैसी कर दी तूने। वाह वाह मान गए गुरु। ये तो वो छोटा सा ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरी बाकी है और मेरा ये धंधा है पैसा फेंको तमाशा देखो। ऐसे दोस्तों तुम लोगों ने मुझे छुड़ाया नहीं, वहाँ पर आए नहीं, अगर ये हिप हॉप नहीं होता तो वो लोग मुझे मार ही डालते। क्रोनो शुक्रगुजार कर मेरा कि मैं वहाँ से बच के निकल गया, वरना हम दोनों वहाँ पर सड़ सड़ के मरते। वो तो मैंने अपनी पूरी टीम वालों को बोला था जाओ क्रोनो को छुड़ा लेगी, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए, फिर मैं गया हिप हॉप के पास और हिप हॉप ने फिर तेरी जान बचा ली। पर आइडिया इस कल्लू एडम का था, एडम नहीं होता तो तुम बच नहीं पाते। एडम यू आर ग्रेट बट यू आर ब्लैक। सुनो अगर इस हिप हॉप को हमारी टीम में ले लिया जाए तो कैसा रहेगा, क्या बोलती है पब्लिक? सबको हमारी टीम में ले लेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा, घंटा कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें चाहिए भी क्या और तुमने आज तक हमारी टीम के लिए किया भी क्या है? अगर तुम जैसे टीम के बाहर रहे ना तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम टीम में रहो चाहे ना रहो तुम्हारी मर्जी, निकल सकते हो यहाँ से। नहीं नहीं अगर टीम में से आदमी गए तो टीम हमारी कमजोर पड़ जाएगी और टीम कमजोर पड़ गई तो हम उन कोबरा का कुछ भी नहीं कर सकते, ये तुम्हारा हिफाब भी कुछ नहीं कर सकता, घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता ये, मैं तो अभी बता रहा हूँ हम टीम से किसी को नहीं निकालेंगे। ठीक है एडम अगर तू बोलता है तो इन दोनों को नहीं निकालेंगे, वैसे भी हमारी टीम की नींव तुम दोनों ही हो, एडम और जी अगर नहीं होते हमारी टीम में तो आज हमारी टीम नहीं होती है, क्योंकि इन दोनों ने पूरी ईमानदारी से हमारे लिए काम किया है। तो गाइस उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, एंड गाइस 10 के लाइक कर दो, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। एंड भाई लोगों जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं प्लीज यार सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट जरूर कर दीजिए, एंड जिसको भी हमारे व्लॉग में इंटरेस्टेड है गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, हमने बनाया एक और व्लॉगिंग का चैनल, सो जाकर सब्सक्राइब कर दो एंड गाइस वहां पर करेंगे स्टार्ट व्लॉगिंग।